खबर शिवपुरी के राजेश्वरी रोड से। यहां पर बता दें कि सड़क के किनारे पेवर्स लगाने का काम ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन घटिया निर्माण कर पेवर्स लगाए जा रहे हैं। इसका विरोध आसपास के लोगों ने जताया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले एयरटेल कंपनी ने अपनी लाइन बिछाने के लिए पेवर्स के नीचे खुदाई की थी, इस कारण पाइपलाइन नल की फूट गई थी। इसका विरोध भी आसपास के लोगों ने किया, शिकायतें भी की, लेकिन पाइपलाइन को जोड़ा नहीं गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने चंदा कर उस लाइन को जुड़वाया। उसके बाद अब ठेकेदार के द्वारा उस जगह पेवर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन घटिया निर्माण कर पेवर्स लगाए जा रहे हैं। अगर किसी भारी वाहन का ऊपर से गुजरना हुआ तो पानी की लाइन टूट सकती है। जनक सिंह रावत, मैं यहीं शंकर कॉलोनी में रहता हूँ। आज से कुछ दिन पहले एयरटेल वालों ने जो लाइन खोदी गई थी उससे पाइप की जो सप्लाई है वो लाइन टूट गई थी। टूटने के बाद 10 से 15 दिन तक हमने नगर पालिका कंप्लेंट की, एयरटेल वालों को कंप्लेंट की, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मोहल्ले वालों ने चंदा एकत्रित करके इस लाइन को सही करवाया। अब उस टूटी हुई लाइन के ऊपर जो पेवर्स लगाने का काम कर रही है, जो भी कंपनी है, एयरटेल हो या कोई भी एजेंसी हो, वो इतना घटिया काम कर रही है कि कल उस पर कोई बड़ी गाड़ी निकलती है तो पुनः धस जाएगी और लाइन फिर टूटने का डर रहेगा और मोहल्ले वालों को फिर परेशान होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से नगर पालिका प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो घटिया काम हो रहा है उसमें सुधार किया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये गड्ढा रायश्री रोड पर गुरुद्वारे से लेकर रायश्री मंदिर तक एक पूरी साइड खोल दी गई है। अब परमिशन तो वरिष्ठ अधिकारियों को पता होगा इनके पास परमिशन थी कि नहीं थी। अगर इनके पास परमिशन नहीं थी, इनके खिलाफ FIR दर्ज करें और जो जनता को परेशानी हो रही है उसका भी ध्यान रखें, जनता को सुविधा मिल सके। जितेंद्र रघुवंशी, क्या समस्या रही है? अभी एयरटेल वालों ने जो लाइन डाली थी तो सर हमें यहाँ की जो मेन सप्लाई की पानी की लाइन थी वो तोड़ दी थी। 10-15 दिन तक हम लोग बार बार कंप्लेंट करते रहे नगर पालिका को, ना तो वो लाइन सही हुई। उसका जैसे जैसे हम लोगों ने मोहल्ले वालों ने पैसे इकट्ठे करके उस लाइन को हमने जुड़वाया और उसके बाद भी आगे की जो लाइन है ना तो उसको सही करवा रहे हैं और अब ये पेवर्स भी लगवा रहे हैं तो उसमें कोई क्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है। ना तो उसमें पानी भरवाया, ना इसमें डस्ट डालना है, सिर्फ अगले रेता डालना है बजरी जरा सी, आधा इंच भी नहीं है वो। और अगर इस पर थोड़ा सा भी वजन निकला तो ये पूरी बैठ जाएगी और किसी रेस में फिर गाड़ी फंसेंगी, फिर दिक्कत आएगी, फिर लाइन टूटेगी दोबारा से। नहीं, पहले हमने शिकायत करी थी लेकिन अभी इसकी नहीं करी। सुपरवाइजर जो इसका था एयरटेल वाला, उसको बोला था तो वो बोल रहा था कि इसमें पानी भी डलेगा और इसमें बहुत डलेगी, उससे भी बात हुई थी मंडल अध्यक्ष से हमारी। आज उसको फ़ोन लगाया तो आज वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं।